ये दीदी साहब 7 पीढ़ी की परिता है, ये परिता तोड़ते ही नहीं है हम तो क्या बोलते हैं इसको? इसको ये बोलते हैं सफेद पेटीकोट होता है ना ऐसा, तो सफेद कोट पेटीकोट दर्जी के सिला के लाते हैं, और वो पेटीकोट पहना के लड़के को तब लड़के के साथ को रात को सुलाएंगे, पूरा एकदम ही लाल हो जाएगा जब लड़के को मानते हैं। ब्लड तो निकलेगा ही, ब्लड निकलता है लड़की पर, चाहे 20 साल की हो, चाहे 18 साल की हो, चाहे 19 साल की हो, तो उस लड़के को सही मानते हैं हम। और पहर वो इतना इतना करते भी सही नहीं होती, तो फिर पंचायती करते हैं, न्याय करते हैं, इसलिए या समझौता करके उसके लड़के का रखेंगे, और नहीं समझौता करेगा नहीं रखेगा वो गला बेटी वाला नटेगा, तो फिर उसी को और शादी करते। माँ बाप तो संभालते ही, कोई बाई चांस होती ना, कोई ऐसी लड़की नहीं है तो ऐसी हो जाती, निंगा रखते। जगह पे मतलब दिखा के है, विजिबली है कि चलो हम टेस्ट करवा रहे हैं, वर्जिनिटी टेस्ट करवाते हैं, बहुत जगह है कि छुपा के मतलब अंदर के से वो जानना चाहते हैं पर दिखाते नहीं हैं, शो नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के मतलब दूसरे के थ्रू जानना तो चाहते हैं। बहुत जगह ऐसा होता है जब शादी उनको करनी होती है, शादी फिक्स होती है, तो जानना ज़रूर चाहेंगे लड़की कैसी है, किस टाइप की है, क्या है। Took me aside and spoke in a tone I had never heard her before. She told me about my sacred glass bowl, the fragile thing entrusted to me as a woman. She made it clear that girls from good families would never allow a single crack to fall on that treasured, valuable object before the right time comes. While she was talking, I knew exactly what she was saying. Though she never explicitly used that overrated, unspeakable word. Virginity, my sacred glass bowl.